बात करके ले अपना, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो भाई हम लोग रुके हैं साइड में 2 मिनट का ब्रेक लेने के लिए। और ये देखो भाई, भोजपुरी में कहते हैं कि अंजोरिया रात भइल बा, तो अंजोरिया रात भइल बा। और देखा लो, हाँ गाइज, दर्द ब्रेक लिए हैं, बम दर्द ब्रेक लिए हैं। तो भाई हम लोग बिरयानी खा के निकल चुके हैं अपने रास्ते पर दोबारा से, और अभी 186 किलोमीटर बाकी है और रात होने वाली है। अभी कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा, बट अंधेरा अंधेरा जैसा हो चुका है। बाकी एक बाइक आगे निकल गई है, एक पीछे है, हम लोग बीच में। और ये सामने का नज़ारा देख लो आप लोग, इससे पता चल जाएगा कि कितना खूबसूरत मंजर है आगे। देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, क्योंकि फिर रात होने वाली है, फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। फिर एक होटल वैसे भी लेना ही है, बीच में ना लेना पड़े, बस ये मुश्किल है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुंचे और होटल वोटल लें। बाकी कल सुबह से हम लोग घूमने निकलेंगे। बाकी अगर टाइम से आज पहुँचे तो आज भी मॉल रोड चलेंगे, और जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। और अब तो वो हो गया यार, अंधेरा अंधेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि फिर रात को बाइक चलानी पड़ेगी और सारे नज़ारे जो होंगे वो चले जाएंगे, इसलिए और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। भाई साहब एकदम अचानक से बारिश होने लगी, ये देख लो भाई। मतलब अभी एक मिनट पहले मैंने वीडियो बनाया, कुछ नहीं हो रहा था, एक मिनट बाद देख लो क्या शुरू हो गया है। फुल मोटे मोटे, अरे यार हट जा यार, मोटे मोटे बूंदे पड़ चुके हैं। मतलब मोटे मोटे बूंद पड़ना शुरू हो चुका है। उतर, हम लोग रुक गए इधर साइड में, हट जा। मतलब ये सडन एकदम होने लगा जो भी हुआ, बिल्कुल सडन। जिशान भाई पंप पे। तो भाई हम लोग फिर से निकल चुके हैं, बारिश होने लगी थी और सामान को हमने पॉली बैग से रैप किया, हमने एक ख़रीदा हुआ था बड़ा सा, उससे कवर कर दिया सारे सामान को, फ़ोन को भी कवर कर दिया है, बस कैमरा रह गया है। अब जैसी और तेज़ बारिश होगी वैसे ही मैं इसको भी रख दूंगा निकाल के कैमरे को। बाकी फ़िलहाल अभी हो नहीं रही है, बारिश बंद हो गई है, तो इसलिए हम लोग निकल गए हैं कि चलो चलते हैं, जहाँ तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे। ये देखो भाई चांद, और बिल्कुल काली, बिल्कुल काली। बच गया भाई साहब, बहुत गंदा बचा मैं गिरने से, फट गई पूरी। ओहो भाई साहब, अभी तो हो जाता, अभी तो ट्रिप ट्रिप हो जाता। साहब लिटरली मतलब क्या भाई, इधर चलिए, इधर बीच में आ जाइए। हाँ हाँ साइड आ जाइए साइड। भाई साहब बहुत ही बारीकी से बचाऊं मैं, अभी तो हो जाता मेरा।
ओ भाई दिल धड़क रहा बहुत ज़्यादा तेज, बंद करता हूँ। तो भाई हमने अभी एक क्या बोलते हैं टोल टैक्स क्रॉस किया है और आगे बढ़ चुके हैं फिर से। अभी जो एक पीछे एक मैं गिरने से बचा हूँ ना, मतलब सच में दुआ होगी इसलिए मैं बच गया, वरना बहुत ज़ोर की मैं गिर जाता और काफ़ी चोट भी लग जाती। और ये देखिए ये टनल है, काफ़ी लंबा टनल है। वाह, ओ भाई बहुत ज़्यादा लंबा टनल है ये तो। और भाई मैं बाल बाल बचा हूँ गिरने से, ज़रूर किसी की दुआ होगी इसलिए मैं बच गया, वरना अभी मेरे को चोट लगी होती। बाकी ये देख लो दोनों लोग फुल मौज में जा रहे हैं, काफ़ी लंबा टनल लग रहा है मेरे को, ये अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चले ही जा रहे हैं भाई हम तो, चले ही जा रहे हैं, टनल ख़त्म ही नहीं हो रहा। और ये फर्स्ट टनल है इतना लंबा अभी तक के सफ़र में, और अब तक टोटल हमने 722 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और अभी लगभग 150 किलोमीटर और बचा हुआ है श्रीनगर के लिए। ये चीज़ें ना हमें दिन में देखनी थी, दिन में कैसी दिखती है, लेकिन कोई नहीं लेट हो गए अभी ही सही। कितना लंबा टनल था गोभी भाई? 14 किलोमीटर, 11 समथिंग था। काफ़ी लंबा टनल क्रॉस कर गया है, बीच में तो गर्मी लगने लगी थी, हाँ सफोकेशन टाइप हो गया था। अच्छा था हाँ जन्नत जैसा। चलो भाई चलते हैं आगे। हाँ ये अटल टनल से छोटा है, बड़ा है 8 ही। अच्छा चलो भाई चलते हैं आगे की ओर, मज़ा आ रहा है। कंटिन्यू राइड चल रही है हम लोगों की, कंटिन्यू चले जा रहे हैं, खा रहे पी रहे चल रहे हैं। एक और टनल आ गई दोस्तों, पिछला वाला तो 11-12 किलोमीटर था, ये वाला देखते हैं। ये निकली बाइक एक, वाह भाई वाह। तो भाई हम लोग रुके हैं साइड में 2 मिनट का ब्रेक लेने के लिए। और ये देखो भाई भोजपुरी में कहते हैं कि अंजोरिया रात भइल बा, तो अंजोरिया रात भइल बा और देखा लो। हाँ गाइज दर्द ब्रेक लिए हैं बम दर्द ब्रेक लिए हैं। नीचे नदी है क्या भाई? सब कुछ दिख नहीं रहा है, साइड में ही हो जाओ। कुछ दिखेगा भी नहीं यहाँ से, कितना चौड़ा है ये, पतला सा ही है। नहीं नहीं बाबू साइड ही रही है। तीनों बाइकें मस्त परफॉर्मेंस दे रही है भाई अपना। और ये अंजोरिया रात में हम लोग रुके हुए हैं, और एक ऊपर कोई रास्ता है, ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है। और यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ लगा देना चाहिए, पानी वानी दिखता तो कुछ तो लाइट लगाता। तो भाई कुल 134 किलोमीटर रह गया है हमें पहुँचने में, और सुबह से हमने एक ही चाय भी पी है, तो सोच रहे हैं कि जैसे ही 100 किलोमीटर रह जाएगा तो हम रुकेंगे चाय पीने के लिए। यहाँ पे हमने पानी वानी पिया काफ़ी देर चलने के बाद, और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। हो गया करिए। हाँ तो भाई रात के 9:17 हो चुके हैं, और अब भी हम लोग कंटिन्यू चले जा रहे हैं। रास्ता देखो कैसा है, ये मैप में दिख रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा रास्ता है, मतलब घुमाव ज़्यादा है लेकिन रोड सही है। ये देखो
ये क्या आ गया वो भाई, इधर से निकलते हैं। मम्मी चाचू आगे निकल चुके हैं और ये गोफी भाई की लाइट के वजह से हम लोगों को काफ़ी आसानी हो रही है, आगे का सब दिख जा रहा है। आने के एक दिन पहले ही हम लोगों ने ये लाइट करोल बाग से खरीदी और लगवा लिया। काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका, बहुत सही है। तो भाई हम लोगों ने सोचा है कि आगे बढ़ते हैं और बनिहाल में रुकेंगे, और बनिहाल यहाँ से 13-14 किलोमीटर है। वहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और मेरी बाइक का पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, समझ लीजिए एक भी पॉइंट नहीं बचा है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और डर भी लग रहा है ख़त्म ना हो जाए, ऐसे सुनसान पहाड़ियों में हम लोग घूम रहे हैं और रात के 10:10 हो गए हैं और हम लोग अभी भी चल ही रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं बस। और लास्ट जो हमने बिरयानी खाई थी 7 करीब वो खाई है और आगे बढ़ ही रहे हैं हम लोग। बस इंतज़ार है पेट्रोल पंप का, एक बंदे से पूछा था जहाँ हमने हवा चेक कराया, उन्होंने बताया 16 किलोमीटर आगे बनिहाल है, बनिहाल के पास ढाबा रेस्टोरेंट सब कुछ मिलेगा आपको और पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने हम निकल चुके हैं उसी तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ जो जहाँ जहाँ टूटा है ना वहाँ वहाँ खाई दिख रही है, ये नीचे बिल्कुल खाई है और कहीं कहीं मतलब जहाँ जहाँ रोड टूटा है वहाँ वहाँ बिल्कुल ये निकला ही हुआ है। वहाँ ना रिफ्लेक्टर लगा है ना कुछ लगा है जिससे पता चले कि यहाँ टूटा हुआ है। और ये रात के टाइम हम लोग ड्राइव मतलब राइड कर रहे हैं, अभी भी चल ही रहे हैं, बस पहुँचेंगे। 116 किलोमीटर कुछ रह गया है टोटल डिस्टेंस हमारा, जिसमें से 16 किलोमीटर बाद हम लोग रुक जाएंगे टी ब्रेक के लिए और फिर चलेंगे। तो भाई हम लोग आ गए अपना चौथा फ्यूल अप कराने के लिए और हमने चला लिया अभी तक 783 किलोमीटर और अब करेंगे पेट्रोल फुल इसका। हाँ जो भाई, हेलो समर, हेलो। हाँ ये धोखा हम याद रखेंगे। क्या धोखा दे दिया भाई? चाय नहीं पिलाई भाई को। चाय नहीं पिलाई, इसी का धोखा है? वाह भाई वाह, फुल कर दो भाई। A few inches later. ये रोड कहाँ जाएगा? ये भी जाता मतलब लेट होता, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा यहाँ से चलो पास है और पास है। ठीक है, पुलिस वालों ने रोक लिया हमें। और भाई हमने फ्यूल फुल करा लिया, टैंक फुल करा लिया और मामा लोगों ने हमें पकड़ लिया था और अब हम लोग बढ़ चुके हैं आगे। और भाई रात के बज गए 10:44 और हम लोग अभी खींचने में लगे हुए हैं गाड़ी को कि हम लोग पहुंच जाएं फटाफट से, फटाफट से नहीं मतलब आराम से। 2 hours later. भाई हम लोग रुक गए फिर से चाय पीने के लिए, चाय आ भी गई है हमारी। इसके बाद 90 किलोमीटर और बचा हुआ है हम लोगों को पहुंचने के लिए और यहाँ सब लोग अपने अपने घर पे बात कर रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। प्लीज ये भाई नया ब्लॉगर इन द हाउस। सो गाइस हम लोग की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, नॉन स्टॉप जर्नी है बिल्कुल, हम लोग कहीं नहीं रुके हैं। ये ग्रीन स्क्रीन है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये ग्रीन स्क्रीन है। बहुत लोग आए घूमने, 2-3 महीने में ट्रेन चल जाएगा पता है। चलो भाई चाय पीते हैं और निकलते हैं अपने फिर से जर्नी पे। तो दोस्तों हम लोगों ने लगा लिया है अपने होटल का लोकेशन और हमने चाय वाय पी लिया मस्त, मम्मी से भी बात कर ली, घर पे भी बता दिया इतना टाइम लगेगा और इतना चल लिए सबसे बात बात करके। और अब हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ, लोकेशन वहीं का लगा लिया है। 1 घंटा 43 मिनट लगेगा हम लोगों को टोटल और 12:46 पे हम लोग पहुंचेंगे। रास्ता वैसे बिल्कुल बढ़िया है, कोई फालतू की चीज़ें नहीं है रोड पे,
चलो चलते हैं, देखते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। नहीं नहीं इनसे आगे, पुलिस वाले यहाँ से नहीं जाने दे रहे। तो फाइनली भाई हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल जो हमने बुक कर रखा है, और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दी अपनी अपनी बाइकें। हाँ खोल लेंगे, अबे चलो सामान खोलते हैं और चलते हैं अपने रूम में और देखते हैं कैसा है भाई। और रात के ना 12:30 बज रहे हैं और अब हम लोग पहुंचे हैं, 12:30 नहीं 1:15 हो गए। बाहर से तो काफी सुंदर दिख रहा है, समझ बहुत बढ़िया है। चलो भाई चलते हैं और दिखाते हैं। और फाइनली भाई पहला मेरा रोड ट्रिप है जो मैं इजीली बिल्कुल मतलब मजे में आ गया। मेरा तो बाइलैक है, ये बाइलैक था और हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत अच्छे से। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, डालेंगे उसको। कोई बोले सुहेल जाने वाला था, कौन आ गया? 19-20 का तो फर्क है बस। सही बात है, 19-20 सुहेल आने वाला था बट ये आ गया। 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। चलो भाई चलो मिलते हैं, कल निकलेंगे हम सुबह अपना घुमाई पे। बाकी चलो अभी रूम में भी बात करते हैं। रखो भाई, ये है कुछ रिसेप्शन यहाँ का, देख लिए? उधर जाए, चलो भाई बुला रहे हैं, देखते हैं क्या दिखा है। ओ भाई साहब क्या गजब मकड़ा है, कितना बड़ा भाई साहब, इतना बड़ा मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओ भाई साहब, अरे बनना है क्या तेरे को स्पाइडरमैन? समीर आ जा, बन जा स्पाइडरमैन। लो लो लो, आ गया आ गया आ गया भाई साहब। पता नहीं भाई मार दिया, गिर गया नीचे, भागा भागा भागा। भाई घुस गया नीचे, वो उसको मार देना भाई। ये इधर आ गया, इधर आ गया, ये गया बोलो नीचे। ओ भाई मर भी नहीं रहा है। नहीं मार रहा, स्कोर में सोच रहा है बच जाएगी। नहीं खत्म कर दीजिए उसको। एक रूम ये है भाई, पर्पल पर्पल है। क्या कैसे रहेगा समीर वहां पे? ए उसमें चलते हैं ना, क्या खींचा है भाई, मजा आ गया बाइक। The next day. तो भाई हम लोग पहुंच गए थे रात को कश्मीर और हमने स्टे वगैरह बुक करा हुआ था। हम लोग चेक इन किए, सब कुछ हो गया और अब हो गई सुबह और अब हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ के लिए हम लोग निकल रहे हैं? सोनमर्ग। हम लोग निकल रहे हैं सोनमर्ग के लिए और अभी जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं दिखाता हूँ, रुकेंगे नहीं हम लोग, आए हैं घूमने तो हम लोग जाएंगे। जैसे कि ये देखिए बारिश हो ही रही है और यहाँ के भैया जी कह रहे हैं कि ये 3 महीने में हो रही है, 3 महीने बाद हो रही है, मतलब 3 महीने पहले यहाँ बारिश ही नहीं हुई थी और अब हो रही है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है बाहर चल के। अब आके रूम में तो बैठे नहीं रहेंगे, जाएंगे बाहर। तो चलो चलते हैं, सब कुछ रेडी हो गया है, सब लोग रेडी हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं। बाकी लोग नीचे चले गए हैं, ये रहे, और तो चलो चलते हैं। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं, ये लोग यहीं खड़े हैं। चलें भाई, बहुत लेट कर रहा था मैं, आ गया। चलिए वो भाई लेट करेंगे, चलिए निकलिए। कुछ नहीं, वो पैक कर रहे हैं अपना, ये बाइक हो गई रेडी, दो बाइक हो रही। और ये देख लो भाई बारिश पड़ी रही है। कैसे जाएंगे भाई,
वो लेना पड़ेगा आपको। आमिर भाई मेरा आईडी आप ही के पास है, आईडी दे दो कहीं। आईडी ले लो, आईडी ले लो। मेरा भी आधार कार्ड। चलो भाई चलते हैं, बारिश में ही निकलना पड़ रहा है, मतलब कुछ भी। समीर भाई यहाँ आके ये नहीं सोचा था कि हमें इतनी ज़्यादा बारिश में राइड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी एक बाइक रेडी हो गई, एक अभी तक आए नहीं। आ जा आ जा आ जाइए आ जाइए। क्या है क्या कैब वहाँ? चलिए आइए बात कर लेंगे। कैब से टाइम लगेगा। समीर बैठ ना, क्या कर रहा है? चलो क्या हो गया। चलो भाई निकल चुके हैं भाई अपनी सोनमर्ग की तरफ बढ़ते हुए। जूते वगैरह सब चीज हो जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ चप्पल खरीद लेंगे, एक एक सस्ती चप्पल। रिलैक्स हो, कैमरा भी ख़राब हो जाएगा भाई। तो भाई हम लोगों ने बरसाती खरीद वाले रेनकोट खरीद लिया, मैंने इस कलर का, समीर ने ब्लैक, और दो भी ले लिया है बाकी सबके लिए। और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे, देखते हैं। हाँ आप ठीक है समीर, अब भीगेंगे नहीं ना कम से कम? हाँ अब वो लोग पता नहीं आगे बढ़ गए हैं, अब उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ हैं। मैं रेन मोड में सेट कर लेता हूँ बाइक। हो जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकल चुके हैं भाई हम लोग रेनकोट पहन के। अब ये लोग कितनी आगे गए हैं हमें भी नहीं पता, और हम लोग रुक गए थे रेनकोट खरीदने के लिए। खुद भी पहना जुहान के लिए और जुसान भाई के लिए ले लिया, बाकी दो लोगों ने पहना ही हुआ है। अब बिल्कुल सही है, अब बारिश हो जो भी हो अब हम लोग ईज़िली पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ ट्रैफिक है काफ़ी, तो बस चल रहे हैं। काश वो लोग रुके हों, आगे वेट कर रहे हों हम लोगों का। और तेरी बच्ची, हम लोग बरसाती ले रहे थे तब तक जिशान भाई लोग आगे बढ़ गए, और हमें लगा हम लोग इधर उधर हो गए, तो हम लोग यहाँ एक जगह रुके भैया की दुकान पे। इन्होंने अपना फ़ोन दिया और समर से नंबर लिया दिल्ली से, जिशान भाई का पोस्टपेड वाला, और उनसे कांटेक्ट किया और लोकेशन भेजा। अब जाके वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गुरुद्वारे के सामने है, गुलमर्ग जाने वाले रास्ते में पड़ता है ये। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं गुरुद्वारे के ठीक सामने, आने वाले हैं जिशान भाई लोग, लोकेशन भेज दिया मैंने, और फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से साथ। मतलब यहाँ अभी देखी ही नहीं आपने, यहाँ ये एसडी नहीं दिखती क्या? है ज़्यादा नहीं होगी, बट मैंने नहीं देखी अभी तक। अभी शोरूम भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा तो मुझे खुद का वाली थी, लेकिन जम्मू से बुक करानी पड़ी थी। अच्छा मतलब यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो तो सर्विस में भी दिक्कत है? मतलब यहाँ पे अगर जैसे मैं लेके आया हूँ बाहर से, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी दूर है अभी? कितना दूर होगा? 40 किलोमीटर? 50 किलोमीटर बस। आप जो कह रहे थे कौन सी जगह जाने के लिए? हाजीवास कहते हो? हाजीवास क्या है वहाँ? ग्लेशियर है वहाँ। ग्लेशियर सही है, चलेंगे। हाँ और क्या, बर्फ दिखेगी वहाँ? ठंड भी होगी? होटल वाला कह रहे थे कि नहीं होगी वहाँ? होटल वाले कह रहे थे कि नहीं होगी। अच्छा अभी तक रुकी नहीं रही है भाई बारिश, मतलब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। और यहाँ पे वाजवान मिलता है, ये बन भी रहा है। हाँ
ये भाई बना रहे हैं। ये भैया बुला रहे हैं वाजवान वाले। इसका बोलते हैं रिश्ता। क्या क्या कह रहे हैं? इसको बोलते हैं रिश्ता, कश्मीरी रिश्ता। सारी चीजें दिखा। गुस्ताबा गुस्ताबा। इसको बोलते हैं रोबिलियोस। वाह। इसमें क्या है? ये है सूप। सूप। ये है कश्मीरी वाजवान पूरी। हाँ ये तो देखा है हमने। अब वहाँ भी आ चुका है शाहीनबाग में भी। अभी हम लोग आएंगे वापस रिटर्न सोनबर्ग से, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें नहीं दिखाया आपने। चैनल पे आएगा। हाँ ये चैनल पे आएगा, मेरे चैनल पे। चैनल का नाम? हाँ बताओ ना। दोनों फोन दो। टाइम से फोन बोलना क्यों है? सब्सक्राइब करेंगे आपके उससे। निकालो। तो भैया ने फोन निकाल लिया सब्सक्राइब करवाने के लिए। यहाँ तो महंगा होता होगा ना? यहाँ बहुत कॉस्टली है। वहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे जो 2-2.5 लाख की बाइक है वो कम से कम यहाँ पे 270। तो वहाँ पे इसका जो कीमत है ना 260 है ऑन रोड, 260-265। लेकिन लेकिन मैंने एक पुरानी ली है। ये वाली? हाँ एक साल पुरानी ली थी। कितने की? कितने की? 1 लाख रुपये। हाँ 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 मैंने 1 लाख रुपये की ली है। 25-30 का देती है एवरेज। हाँ ले लीजिए, छोड़ जाऊँगा मैं ट्रेन पकड़ लूँगा, ट्रेन से चल लेंगे। मैंने ओएलएक्स पे डाला हुआ है, ओएलएक्स पता है ना आपको, उस पर मेरे को 130-135 का रेट आ चुका है। हाँ लेकिन मैं बेच नहीं रहा अभी, मैं इसमें 15,000 रुपये का काम करा के आया हूँ। ले जाओ ले जाओ, बहुत अच्छी बाइक है। आ गया, ये देख लो भाई, ये लोग कहाँ कहाँ भटक गए, कुछ पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। आप लोग इतना पीछे कैसे रह गए भाई? थोड़ा सा जाइए। है भाई इतनी तेज बारिश हो रही है, देखिए भाई। भाई हाँ नवीन भाई इनके साथ नहीं बोल रहे, क्या बात कर रहे हैं। तो भाई बहुत देर रुकने के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हम लोगों को यहाँ पे। और ये जीशान भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई मेरा भी करवा दीजिए। इसमें मैंने रखा है बैटरी अपना, बैटरी भी लगा लेता हूँ, नहीं तो माइक प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो लगा ही लेता हूँ है ना, मैं ये लगा लेता हूँ, नहीं तो माइक लग ही नहीं पाएगा इसमें। हाँ तो भाई हम लोग निकल चुके हैं, बारिश करीबन 2 घंटे तक बरसी है दबा के, और उसके बाद हम लोग चलना शुरू किए हैं। और ये कश्मीर की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं। सामने देखिए कितना पुराना एक गेट दिख रहा है, और यहाँ पे पुरानी बर्तन जो होते हैं वो मिल रहे हैं, मतलब विंटेज टाइप पीतल के। अरे भाई साहब ये देखिए क्या खूबसूरत है ये। क्या बात करते हैं, फालतू की बातें हैं भाई। चलो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। इस साइड है। भाई अच्छी खासी चढ़ाई आ गई यहाँ पे, हम लोग शायद ऊपर जा रहे हैं। ऊपर कुछ है, एक दरगाह है यहाँ पे जहाँ शायद जाएं हम लोग। आई थिंक यही है दरगाह का दरवाज़ा।
भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताएंगे मेरे को क्या? अच्छा गोफी भाई आ रहे हैं यहीं पे? नहीं नहीं यहाँ तक तो 5 मिनट में निकल लेंगे ना, हजरतगंज पहुँचेगा वो, हमारे हजरतगंज के पास में है। ये देखो भाई क्या नजारे हैं, एक नंबर। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, वहाँ भी और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखेंगे आप लोगों को। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आगे। हम लोग जा रहे हैं दरगाह और बाकी देखते हैं आगे कैसा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग ऐसे मतलब ऐसे आए हैं। ये देखिए कितनी पुरानी हवेली टाइप है, और ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों कितना शानदार लग रहा है यहाँ से। ये देखो, और हमें ट्रैक करके जाना है ऊपर, काफ़ी ऊपर है दरगाह। चल रहे हैं ना, क्या हो गया? अभी तो कह रहे थे चलते हैं। बिल्कुल ये देखो भाई, मतलब कितना पुराना है ये, और यहाँ से व्यू देखो। ये देखो दोस्तों कितना पुराना है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं दरगाह। हो सकता था वहाँ आपको ना वो मिल जाता, उसका फोर्ट, ऊपर का फोर्ट है। हाँ, कौन सा? वो बादशाह का फोर्ट है या किंग, अली सिंह का? अजान भी होने लगी। यहाँ से वहाँ अपने आप जा रहे हैं। वो देखो सामने वो है। हाँ, वहाँ से जाके घुमा के वापस नहीं आएगा। बना लो मेरे, डबल करो भाई रुपये। तो दोस्तों ये देखिए क्या वादियां हैं यहाँ की, जन्नत। ले रहे हैं क्या? खाते ना, गरम गरम बना देते तो। लीजिए बिल्कुल गरम गरम, तो बहुत ही मजा आएगा। वाह, यूपी में कहाँ से? बिजनौर। एक और बनने की तैयारी। तो भाई हम लोग दरगाह से निकल गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं। गोफी भाई थोड़ा आगे निकल गए थे तो उनको बुलाया एक लोकेशन पे, वहीं जा रहे हैं उनको लेने के लिए, और फिर हम लोग निकलेंगे। सोनभद्र तो नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश वारिश हो रही है, और यहाँ के लोकल लोगों ने बोला कि वहाँ जाना सेफ़ नहीं है आज, क्योंकि यहाँ इतनी बारिश हो रही है तो वहाँ और ज़्यादा हो रही होगी, तो बस इसीलिए। और ये देखिए ये लोग यहाँ मिल चुके हैं हमें, और हम लोग ढूंढते ढूंढते भाई मैंने नहीं वेस्ट किया, हम लोग तो कितने देर से वेट कर रहे थे कि चलते हैं। मैंने 10 बार बोला, 50 बार बोला कि चलिए आते हैं थोड़ा आगे दिखा के। हाँ तो भाई चलो, ये लोग मिल गए आगे, आप लोगों को ये दिखाते हैं डल लेक। तो लोकल लोगों ने बोला कि सही नहीं है जाना, वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, बेकार में जाओगे आप, और शाम को 5 बजे के बाद वहाँ से रिटर्न नहीं होने देते हैं। तो भाई साहब ये देख लो, अरे वाह, चलो चलो दिखाते हैं भाई आप लोगों को ये। ओ तेरी, चल भाई चल जल्दी चल। क्या
कैमरे पे पानी आ गया क्या? ओ भाई साहब गजब। इसमें वोटिंग हो जाएगी क्या? होगा अभी? ना एक बार तो करना पड़ेगा ना, एक बार तो करना पड़ेगा भाई। वाओ ये देख लो भाई क्या खूबसूरती है यहाँ की, ये एक नंबर, बहुत शानदार। तो भाई हमने बुला लिया, कितना So guys, देखो कितना मस्त व्यू है, देखिए बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पे प्लान बनना है, डिस्कशन हो रही है। हम कहाँ बोले? तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं गुलमर्ग की तरफ और पीछे आ रहे हैं बाकी दोनों बाइक, हमारी दोनों पीछे आ रही हैं। और यहाँ से दिख रहा है कुछ 56 किलोमीटर और 1 घंटा 54 मिनट, बाकी देखते हैं आगे कितना जल्दी कितना कवर करते हैं हम लोग। कोशिश तो ये है डायरेक्ट वहीं रुकें जाके, 54 ही किलोमीटर है बस, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी ट्रैफिक होगा शायद आगे, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। बाकी जैसा भी होगा दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी डल लेक आप लोगों ने देखा, डल लेक अभी हम लोग जाएंगे, अभी यहाँ से रिटर्न होंगे ना, तो सोचे पहले दूर वाला कवर कर लेते हैं फिर यहाँ पे आके यहाँ पे घूम लेंगे हम लोग। तो बस इसीलिए हम लोग निकल गए वहाँ के लिए। और सोनमर्ग हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि लोकल ने मना किया कि वहाँ मत जाओ आज, सेफ़ नहीं है अभी जाना, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ और ज़्यादा हो रही होगी। बस यही कारण है, क्योंकि आधा दिन हम लोगों का यहीं निकल गया वेट करने में, बुलाने में, कोई इधर चला गया कोई दूसरी साइड चला गया, बस एक यही वजह है जो आधा टाइम हम लोगों का ख़राब हो गया। बट अब नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे और वहां पे दिखाते हैं आप लोगों को क्या नज़ारा है। बाकी ये भी ठीक है, बाइक से घूम रहे हैं कश्मीर में, कश्मीर की सड़कों पर। अरे भाई साहब लेफ्ट से मैं ही, गलती मेरी है। हाँ तो दिखाते हैं आप लोगों को जैसा भी होगा और बताते हैं, चलो चलते हैं। ओए कहाँ गए? अभी ये हाय कर रहे थे बच्चे स्कूल के, हाय 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 नहीं देख रहे चलिए 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 निकालिए। अरे चाचा अरे भाई साहब माय नेम इज मिराज, मिराज समरीन बच्चे खुश हो जाते हैं देख के। एक तो भाई जहाँ हम रुके थे वो कश्मीरी भाई हमारी बाइक, एक मिनट कैमरे पे पानी, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, एक जो जहाँ हम रुके थे वहाँ पे कश्मीरी भाई को हम लोगों की बाइक पसंद आ गई, वो तैयार हो गए ख़रीदने के लिए, कह रहे बताओ मैं अभी पैसा देता हूँ। अरे नहीं भाई अभी तो मैंने ख़रीदी है, 6 महीने हुए हैं। कह रहे नंबर मेरा ले लो, बेचना हो तो बताना, मैं दिल्ली आके ले लूँगा, मेरा दिल्ली में भी घर है। मेरा ठीक है भाई, नहीं दिल्ली में घर नहीं, दिल्ली में मेरी बहन की शादी हुई है। मैं ठीक है जी बता देंगे। समीर देख रहा है यहाँ आसपास कुछ? वही आ गए हम ट्रैफिक वाले रोड पे। समीर हम यहीं से आए थे पता है तुझे? तो भाई और 40 किलोमीटर हो तेरी
40 किलोमीटर और रह गया। कुत्ता आ गया एकदम से, गोपी भाई और मैंने एक साथ ब्रेक लगाई। और आपको एक चीज़ दिखाता, ये लड़का चिप्स खाली, चिप्स ओनली चिप्स खाता है, देखो। तो ये है कहानी, चिप्स के आशिक हैं काफ़ी सारे लोग। और हम कश्मीर के रोडों पे मौज करते हुए, मज़ा आ रहा है बहुत सारा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो दोस्तों सोनू का रिदम आ रहा है बीच बीच में, सोनू बोलता है तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं यहाँ वहाँ। तो भाई हल्की हल्की ना रिमझिम बरसात पड़ रही है और मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, हल्की हल्की बिल्कुल। और मेरा जो कैप था, जो मैं ब्लैक कैप लगाया था सुबह, वो छूट गया किसी शॉप पे जहाँ से मैंने ये ख़रीदा रेनकोट, वहाँ पे रह गया। तो अभी रास्ते में देखते हुए चल रहे हैं, कोई शोरूम दिखता है तो एक कैप ज़रूर ख़रीदेंगे रास्ते में ही। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को आगे का नज़ारा। दिल्ली केरला वाले ज़्यादा लाते हैं, हम लोग दिल्ली से, एक दो तीन बाइक है। तो भाई हम लोग गेटवे टू गुलमर्ग एंटर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, चलिए भाई यहाँ से कुछ रह गया है 30 किलोमीटर, चलते हैं पहुँच जाएंगे हम लोग। अब बिल्कुल खाली खाली रास्ता है और बारिश भी हो चुकी है, मतलब हल्की हो गई है और मौसम हो गया एकदम साफ। और व्यू जो लग रहा है ना, कैमरे में जस्टिफाई नहीं होगा भाई, सीधी बात है, कैमरे में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होगा। जो यहाँ रहकर देख सकते हो आप, वो कैमरा नहीं दिखा पाएगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है समीर को। हाँ, तो पहली बार समीर का रोड ट्रिप है अपने चाचा के साथ, ये देख लो हाथ लहर रहे। ओ भाई साहब, सामने देखो, सामने फौजी जा रहे हैं, कोई स्पेशल आदमी, कोई कुछ है, निकल जाए। चलो भाई निकलते हैं, तैनात है बिल्कुल यहाँ। तो यहाँ के घर बड़े बड़े प्यारे हैं भाई, बड़े बड़े घर और प्यारे प्यारे घर हैं। ओ भाई, और भाई सामने ज़बरदस्त व्यू है और इधर साइड में भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मज़ा आ रहा है भाई कश्मीर की वादियों में घूमते हुए। क्या कह रहा है? हाँ, तो भाई हम लोग रुके थे, कैब मिल गई हमें, सस्ती मिल गई 180 रुपये में, लोकल है प्यूमा, 190 रुपये की। बैठ जल्दी बैठ, लोग आगे निकल गए। अरे बात बंद कर, हवा लगने दे, हवा लगने दे। चलो भाई हमारा काम हो गया, अब आराम से चलते हैं। दो बाइकें आगे चली गई हैं, 10 मिनट पीछे हो गए हम लोग। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई, फिर से बारिश होने लगी, हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी है। ऐसा लग रहा है ना हम लोग गलत टाइम पे आ गए हैं कश्मीर, क्योंकि होटल वाला बोल रहा था 3 महीने में आज पहली बार बारिश हो रही है, 3 महीने तक हुई नहीं है, लास्ट 3 महीने पहले हुई थी। तो ये देखो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग, और ये है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए चारों तरफ हरियाली और बिल्कुल बादल बादल हो रखा है और हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। देखो भाई देखो, और टोटल अभी तक हम लोगों ने 925 किलोमीटर कवर किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये देखो भाई, यहाँ पे बादल बादल हो रखा है बिल्कुल। वेलकम टू गुलमर्ग।
तो भाई ये देखो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी मस्जिद भी है, ये देखो काफ़ी अच्छी मस्जिद भी है यहाँ। ओ भाई ATV भी मिल रही है यहाँ पे चलाने को, बट हम तो बाइक से हैं, हम अपनी बाइक से घूमेंगे, चलते हैं। चढ़ाई आ चुकी है, चढ़ाई चढ़ रहे हैं अब हम लोग। बहुत मस्त है भाई, बहुत शानदार, वाह। साहिल को लग रहा था हम लोग कह रहे नहीं कश्मीर नहीं जा रहे, देख भाई देख तू व्लॉग देख, हम लोग कश्मीर ही आ रहे हैं और ये लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। मगर वीडियो उठाना मैं यहाँ पे ये आपके अलाउ नहीं है, आगे उठाओ आप सीन देखिए। बाइक देना होगा इसको आते वक्त दूं, आते वक्त ये अभी देना एंट्री होता है पहले। ये सरकारी है क्या? हां म्युनिसिपल कमेटी है, म्युनिसिपल कमेटी। अच्छा ओ ये कासिम भैया ओ ये सर साथ में ठीक 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 ले लो पकड़। चलें चलें खुला पैसा है, नोट है किसी के पास? देखो समीर है और ये आप ऐसे कर रहे हो ना कुछ बाइक पे ऐसे ऐसे आगे ट्रिप वाले अगर उन्होंने पकड़ा तो चला दो गए दे दे लो भाई दे दिए क्या नाम है इनका दे दिया उन्होंने दिया आगे वाला आगे वाला नहीं दिया तो 40 सर ये बाइक वाला पैसा पहली बार आ रहे हो क्या? हां भाई बाइक लेके पहली बार आ रहे हैं सुपर अब उठ आई ये सब का लगता है वीडियो यहां लॉक नहीं है सबसे आपने वीडियो उठाए कोई बात ना पीछे ना ना पीछे अपलोड भी करो वो है? अलग बात नाव की जनाब नाव की नाव क्या है क्या नाम है मेरा नाम आजा चलिए। तो भाई यहाँ पर्ची भी कटती है 20-20 रुपए की क्योंकि कट चुकी है। ओ भाई साहब क्या मस्त नज़ारे हैं यहाँ के, वेलकम टू गुलमर्ग दोस्तों। हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल टॉप पे ऊपर। तो भाई अभी हम शॉट ले रहे थे यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे और हम लोग बस पहुँच ही चुके हैं, गुलमर्ग में ही है, थोड़ा दूर है हम लोग, थोड़ा दूर नहीं मतलब पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग पूरे मज़े लेते हुए। मतलब ये इतनी अच्छी खूबसूरती कैसे कोई मिस करेगा, तेज़ी से बाइक चला के चले जाओ आगे और बस वहाँ जाके खड़े हो जाओ बैठ जाओ आ जाओ, यही तो मज़े हैं। देख रहे हो क्या मस्त बारिश पड़ी हुई है यहाँ, हल्की हल्की बारिश पड़ी हुई है और हल्की हल्की अब भी हो ही रही है बहुत। ये देखो भाई क्या गजब के नज़ारे हैं यहाँ पे, तो बारबेक्यू लेके आओ मज़े से यहाँ लगाओ साइड में, और पता नहीं है लगाने देंगे कि नहीं देंगे बट मैं बस सोच रहा हूँ, खाली ख्याली पुलाव है। ये देखो भाई अलग ही फीलिंग है भाई, सच में बहुत खूबसूरत है ये, मतलब सच में कैमरे से ज़्यादा यहाँ आके जो फील होगा ना वो अलग है, सच में अलग है। कह रहा हूँ बनाओ ब्लॉग बनाओ, तो वही समीर भी ब्लॉग बना रहा है, वो कह रहा है मैं अपना अलग ब्लॉग डालूँगा, मतलब बिल्कुल डालो मैं भी डाल दूँगा अपने ब्लॉग में भी। वाह यार ये देखो, मतलब मानना पड़ेगा क्या खूबसूरती है, मतलब एक ही वर्ड में बार बार बोल रहा हूँ आप लोग इरिटेट हो जाओगे मुझे पता है बट क्या करूँ, मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ निकल ही रही है मुँह से क्या करें, इतना ज़्यादा खूबसूरत है क्या ही बोलें यार। और ना हल्की हल्की बारिश पड़ रही है तो उसके चक्कर में ना बार बार कैमरे पे हाथ मारना पड़ रहा है,
तो शायद थोड़ी फुटेज खराब भी है। ऊपर आने के बाद भाई ठंड का एहसास होने लगा है, हल्का हल्का ठंड भी है और हाथों में भी ठंड लग रही है। और यहाँ पे हमारी बाइकें लगी हुई हैं भुट्टा खाने के लिए, तो आप लोगों को दिखाते हैं। अरे उठाओ उठाओ कैप उठाओ, आ जाओ। सीन बहुत गजब, ये देखो भाई लक्कड़ पे घूमना जा रहा है और इन लोगों ने आधा छील भी दिया है। इतनी तेज भागेंगे तो कहां से बनाऊंगा। यहाँ तो काफी सारे लोग आए हुए हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं। हाँ हम लोग ऊपर से करेंगे क्लिक फोटो। ओ भाई साहब ये देख रहे हो बिल्कुल फॉग फॉग हो रखा है यहाँ पे, और भाई सच्ची में हाथ में ना ठंड लगने लगी है, ज़्यादा ही लग रही है बदन में भी हाथों में भी। और सामने देखो क्या धुंध हो रही है, वाह। ये समीर ये ना वैसा है, हम लोग वहाँ गए थे क्या बोलते हैं लैंसडाउन, तो लैंसडाउन से हम लोग ऋषिकेश की तरफ जो बढ़ रहे थे ना, ये सेम वैसा ही फील आ रहा है, सेम वैसा ही, मतलब ये कोहरा जो है धुंध वैसा ही दिख रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे तैनात है पुलिस वाले बहुत सारे। वाह ऑलमोस्ट वी आर ऑन द टॉप, ये देखो तो यही है गुलमर्ग, वेलकम टू गुलमर्ग। वाओ वाओ, रोक नहीं रहे तो चलते हैं हम भी। ओ भाई साहब ये देखो, ये है भाई क्या जबरदस्त है। हर जगह ये लगता ही रहेगा क्या? बस अब नहीं लगेगा, सरकारी है ये। निकाल दे 50 रुपए। ये ले भाई, इससे आगे और अभी कहाँ तक है ये गुलमर्ग? ये 1.5 किलोमीटर। हाँ हाँ अच्छा, बस अब यहीं घूमने का है तो मतलब अब एक बार हो गया 50 रुपये, अब तो नहीं देने ना कहीं। चलो ठीक है, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जाने जा सकते। हम तो गुलमर्ग लगा के आए हैं भाई, हाँ मतलब ये लोकेशन के पास जाना है। 800 मीटर है बस, ज्यादा नहीं है। कहाँ जा रहे हो? ये गुलमर्ग ऐसी लोकेशन लगा, पूरा गुलमर्ग है बस। मुझे नाम पता, कहाँ जाना है आपने? हम गुलमर्ग ही लगा के आए हैं बस। ठीक है, और आगे जा नहीं सकते? पूरा घूमो तो चले जाएं, चले जाएं यहाँ से घूम के। ठीक
तो भाई हम लोग ऊपर से घूम के आ गए, थोड़ा ही ऊपर गए, ज़्यादा नहीं गए, और अब जा रहे हैं, देखते हैं। इधर वो लोग मिल जाते हैं ना पहले, वो लोग नीचे ही दिख जाएंगे वो लोग। ये देखो भाई कितना प्यारा पप्पी मिल गया। आजा 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 आजा, कितना प्यारा लग रहा है। ऑफ हो गया कैमरा। तो भाई हम लोग आ गए हैं गुलमर्ग, और ये पीछे का नज़ारा देखो क्या ज़बरदस्त है। बस यही देखना था कि भाई कैसा दिखता है ये, और इससे भी ऊपर जा सकते हैं हम लोग, बट अभी दो बाइक जो हमारी है वो मिल नहीं रही है, मतलब रास्ता इधर उधर हो गए हम लोग, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ये मेन पॉइंट है, यहाँ से हम लोग आए हैं, और ये सामने का व्यू देखो क्या ज़बरदस्त है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे रूम भी यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सब देख के। और इसके बाद देखते हैं सोनमर्ग का प्लान है, कल का सोनमर्ग निकलेंगे, बाकी यहाँ भी इंजॉय करते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं और देखते हैं यहाँ के नज़ारे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओ भाई ये देखो, करीबन एक डेढ़ घंटा हो गया हम लोग भटक गए, भटके नहीं थे, मतलब ये लोग इधर उधर चले गए थे, हम लोग इधर उधर आगे पीछे हो गए थे, तो अब मिले हैं जाके, बहुत देर बाद हम लोग भी घूम लिए, शायद ये लोग भी घूम ही लिए होंगे, ये समीर आ रहा है पीछे। भूख भी लग गई है भाई बहुत जोर की, अभी हम लोग जा ही रहे थे तो ये लोग मिल गए, तो आवाज़ लगा के रुका और ये लोग रुके हुए हैं। हाँ जी, कहाँ घूम रहे हैं भाई? हम लोग पूरा इधर उधर से टाप टूप के आ गए, एक राउंड मारे हम भी, मान लिया। गुरु जीशान भाई आप खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खेलिए, दो आदमी, हाँ हाँ, वैसे भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आप खेलिए, आपको जो खेलना है। बाइक की टेस्ट राइड लेते हुए मस्त चल रही है भाई, पहले से लाख गुना अच्छी चल रही है, है ही अच्छी। निकल आएगा पहले से लाख गुना अच्छी चल रही है। तो भाई हम लोगों ने घूम लिया गुलमर्ग, और भाई ये देखो हम लोग निकल रहे थे, और ये देखो क्या ज़बरदस्त व्यू मिल गया हमें, तो हम लोग यहाँ रुक गए, और ये देखो ये ऊंचाई से कितना खूबसूरत लग रहा है ये, अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये मैं कैमरे से बना रहा हूँ, ये देखिए है ना खूबसूरत, क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं। तो भाई हम लोग इस व्यू पॉइंट से भी निकल चुके हैं, काफ़ी बेहतरीन है। अरे भाई कहाँ उतर गया मैं, फिर से बच गया, पता नीचे उतर गया था। तो भाई काफ़ी बेहतरीन जगह है, मतलब दिली तमन्ना पूरी हो गई, बहुत चाहत थी यहाँ आने की, कि भाई कश्मीर जाना है, कितनी बार प्लान बना, कितनी बार कैंसिल हुआ, लेकिन हाँ इस बार मतलब अपनी SD स्क्रैम्बलर पे मैं और समीर और बाकी दो बाइक और चार लोग और हम लोग फाइनली आ गए और गुलमर्ग घूम लिए। कल इंशाल्लाह हम लोग सोनमर्ग के लिए निकलेंगे, तो वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को, और बाकी मेरी आवाज़ थोड़ी नाक बंद हो रहा है,
क्योंकि ठंड लग रही है यहाँ पे, धुंध और कुहासे भी हैं काफ़ी। तो और ये देख लो, ये ब्लॉग बना रहा है और ये क्या कर रहा है। तो हाँ, मैं कह रहा था मतलब वाकई में है जगह आने, मतलब यहाँ नहीं आए तो कहाँ आए फिर, ये नहीं घूमा तो कुछ भी नहीं घूमा। जन्नत है, जन्नत है, जन्नत वाकई में। ये देखिए मतलब फॉग है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, फॉग है हाथ में, तो ठंड लग रही है ना इतनी हल्की हल्की, मतलब क्या ही कहने।